विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। कोरोना वायरस के खतरे के बीच अब देश में बर्ड फ्लू का खतरा भी सामने आ रहा है। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम न केवल बर्ड फ्लू और इसके खतरों के बारे में जानें, बल्कि ये भी जानें कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना है। तो चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में आपको बताते हैं। ये बीमारी आमतौर पर इन्फ्लुएंजा टाइप ए H5N1 वायरस की वजह से फैलती है। हालांकि इस वायरस के कई अलग अलग प्रारूप पाए जाते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के कार्यकारी निदेशक के मुताबिक हमारे देश में अब तक बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए ज्यादातर पक्षियों में वायरस का H5N8 प्रारूप देखा गया है। ये H5N1 के मुकाबले कम खतरनाक होता है। इसके प्रारूप में जैसे इसकी जेनेटिक्स होती है या इसके वायरस के ऊपर जो एपिटोप्स होते हैं उनमें फर्क होता है। तो एक के उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं, हम उसको विरोध कर पाते हैं, बचा सकते हैं। मगर N1 थोड़ा खतरनाक होता है जिसके विपक्ष में अभी एंटीबॉडी उतनी जल्दी से नहीं बन पाती हैं या उसमें नहीं बन पाती हैं, तो इस वजह से वो उससे खतरा ज्यादा है और उसमें मृत्यु दर ज्यादा हो जाती है। इंसानों में ये इन्फेक्शन मरे या जिंदा संक्रमित पक्षियों से होता है, उसकी आग से, मुंह से, नाक से जो द्रव निकलता है या उनके मल से ये फैलता है। अगर इनमें से किसी भी चीज के संपर्क में मनुष्य आता है तो उसके अंदर भी ये संक्रमण आ सकता है। अगर किसी सतह पर या किसी संक्रमित पक्षी को छूने के बाद यदि कोई मनुष्य अपनी आँख, नाक या मुंह में हाथ लगाता है तो उसे संक्रमण का खतरा हो सकता है। ऐसे में जो लोग पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं या पक्षियों के संपर्क में सीधे तौर पर रहते हैं उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आदमी को बचने के लिए इसमें साथ साथ क्या, जो भी वर्कर्स हैं, जैसे हम लोग सबको सलाह देते हैं जब आप फार्म के अंदर काम करते हैं तो एक मुंह पर एक मास्क लगा लें। मास्क लगाने से आदमी की छींक बाहर नहीं जाएगी, वो कोई चीज श्वास के द्वारा उसके अंदर नहीं जाएगी। इस रोग में गले में खराश, खांसी, निमोनिया, बुखार और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। संक्रमित पक्षी को खाने से भी ये रोग हो सकता है। हालांकि भारत में अभी तक पक्षी से इंसानों में इस रोग के फैलने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। भारतवर्ष में इस तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं है जहाँ पक्षी से इंसान में आया हो। और उसमें हम एंटीवायरल ड्रग्स, अगर बाय द वे किसी को ऐसे लक्षण भी आते हैं तो हम लोग सलाह देते हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो, उनको दवाइयां दी जाती हैं और वो अपना बचाव करते हैं। इससे बचने के लिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि इससे बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। बर्ड फ्लू के खतरे से बचने के लिए हमें पक्षियों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। छत पर रखी टंकियों, रेलिंग्स या पिंजरों की साफ सफाई रखनी चाहिए। पक्षियों के मल या संबंधित जगह पर फैले पंख या कचरे को सावधानी से साफ करना चाहिए। चिकन या अंडों को अच्छे से पकाकर ही खाना चाहिए। आधा पका या कच्चा अंडा या मांस नहीं खाना चाहिए। वो लोग जो पशुओं से संबंधित कार्य करते हैं उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जब भी पक्षी की डेड बॉडी के पास जाए तो मास्क और ग्लव्स पहन कर जाए, और अगर उनका मल साफ करें तो वो भी ग्लव्स पहनकर करें। अगर पक्षियों के द्रव से संपर्क में आते हैं या उस पर हाथ रखते हैं जहां उनका मल पड़ा है तो सबसे पहले साबुन से अपने हाथों को धोना चाहिए, क्योंकि अगर पक्षियों के द्रव या मल से संक्रमित हाथ मनुष्य अपने मुंह पर लगाता है तो उससे भी यह संक्रमण आने का खतरा बन जाएगा। अंडा खाना या मीट खाना अच्छे से पका के खाओ। खाने को जितना बढ़िया से पका के खाएंगे उसमें वायरस होने की संभावना उतनी खत्म होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर घर में भी पालतू पक्षी हैं, तो हमें बर्ड फ्लू के मद्देनजर खास सावधानी बरतने की जरूरत है।
उनको बाहरी पक्षियों के संपर्क में ना आने दें। उनकी कोशिश ये होनी चाहिए जहां भी वो पाल रहे हैं, अगर बाड़े में पालते हैं तो उस बाड़े में बाहरी पक्षियों का प्रवेश ना हो और वो बाहरी पक्षी के संपर्क में ना आए। जो लोग छोटे छोटे पिंजड़ों में पालते हैं वहां भी प्रयास से होना चाहिए कि बाहरी पक्षियों से संपर्क ना हो। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस इससे बचने के लिए जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना होगा।